सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन हब। सो इस वीडियो में हम करेंगे अपनी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी SLM बुक की यूनिट 4 को कम्प्लीट। और ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद यूनिट 5 में 7 to 8 टॉपिक्स बचेंगे, उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कम्युनिकेशन टॉपिक से। तो देखिए, कम्युनिकेशन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में। हम लोग बिना कम्युनिकेशन के रह ही नहीं सकते इस वर्ल्ड में। सपोज़ हमें कुछ चाहिए, सपोज़ जो छोटा बच्चा होता है जब वो उसे भूख लगती है तो वो रोता है, तो ये एक उसके कम्युनिकेशन का तरीका है। या फिर टीचर जब बच्चों को कुछ समझाती है, एक्सप्लेन करती है या बताती है कि वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, तो वो भी उनसे कम्युनिकेशन के थ्रू ही करती है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कम्युनिकेशन का। देखो, कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड यानी कम्युनिटीज से मिला है, जिसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में, यानी एक समझ दो लोगों के बीच में। जैसे कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो सामने वाले से बात करके उसको ले सकता है, या फिर कभी लड़ाई होती है तो क्या करते हैं हम, सामने वाले से बात करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिकेशन के लिए कई सारी डेफिनेशन ली हुई है, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। मेन क्या आइडिया है, कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। यानी कि जब हम अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें इन अ म्यूचुअलिटी, मतलब सामने वाला भी जब वो करना चाहे तो इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। या फिर कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर विद द इन्फॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर यानी बोलने वाले को, बोलने वाले से सुनने वाले तक पहुंच जाए, और सुनने वाला जो है सिर्फ उसको सुने ही ना बल्कि उसको समझ भी जाए, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, तो ठीक है। तो ये जो ऊपर इतनी सारी डेफिनेशंस है ना, उसको समरी में नीचे दिया हुआ है फीचर्स में कम्युनिकेशन के। तो यानी इन डेफिनेशन से ही इसके फीचर निकाले गए हैं, तो हम इन फीचर्स को एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है, एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, यानी ये चलता रहता है, ये इसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसका कोई एंड रिज़ल्ट, इसका एंड रिज़ल्ट हमें मिलता है, लेकिन ये एक खुद एक एंड रिज़ल्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, यानी कि चलता रहता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज, कम से कम दो जने तो चाहिए ही होते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि एक सुनने वाला और एक बोलने वाला, बोलने वाला एक भी हो सकता है और सुनने वाले कई सारे भी हो सकते हैं, सुनने वाले एक हो, बोलने वाले कहीं सारे हो, लेकिन एटलीस्ट टू लोगों की हमें इसमें ज़रूरत होती है, दो लोगों की। यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि इधर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, दूसरी जगह काम कर सकता है, ये प्रोसेस हर जगह काम कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टीम बिना कम्युनिकेशन के आगे नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये हमेशा चलता रहता है। जब भी कोई भी सेंडर यानी बोलने वाला एक मैसेज भेजता है तो वो रिसीवर को मिलता है, यानी जो वो सुन रहा है, फिर रिसीवर उसे एक फीडबैक देता है कि उसे समझ आया नहीं आया, फिर जो भी उनके आगे बातें हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इन्वॉल्व इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब बातचीत, अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उससे बातचीत भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इंटेंशियल और अनइंटेंशनल, इंटेंशनल क्या होता है, ऑफ कम्युनिकेशन में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। द क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल, यानी जब हम जान के बात करें, हमारा कुछ इंटेंशन है बताने का, वो होते हैं कम्युनिकेशन, हम जो जान के करते हैं। और अगर हम व्हेन वी टॉक टू समवन विदाउट एनी पर्पस और प्लान, जब हमारा कोई पर्पस नहीं होता, ऐसे हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं, वो अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन होती है। मैसेज ट्रांसफर विद अंडरस्टैंडिंग, यानी सिर्फ सेंडर को बात नहीं बोलनी और रिसीवर को सिर्फ बात सुननी नहीं है, उन्हें उस बात को समझना भी है। वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो मतलब बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो बोल के भी हो सकती है और बिना बोले भी हो सकती है। देखो, बोल के तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन बिना बोले कैसे होती है, हैंड मूवमेंट से, जेस्टर से। जैसे कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, तो टीचर उसके लिए क्लैपिंग कर सकती है, या फेस स्माइल कर सकती है, या नो कर सकती है, ठीक है। तो नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन होती है। नॉमिनल चांस ऑफ परफेक्ट कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो मैसेज होता है वो ट्रांसफ़र होता है, बट द ट्रू मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट पास। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बात हमने बोल दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसका सही मीनिंग या वो सामने वाला बंदा उसको समझ जाएगा।
ठीक है, तो परफेक्ट कम्युनिकेशन का चांस जो होता है वो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे जो झगड़े वगैरह होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, यानी इंसान बात तो बोल देता है लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता उस बात को, ठीक है। कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, देयर शुड बी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है। मतलब कुछ दोनों पार्टीज़ के ना कुछ सेम रेफरेंस होने चाहिए या फिर सेम वो फील्ड से होने चाहिए, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखिए इम्पॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की स्कूल में, ठीक है। अपने गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए टीचर, स्टाफ और अदर स्टाफ मेंबर्स के बीच में ये अचीव में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए, ठीक है, ये ह्यूमंस के लिए भी ज़रूरी है कम्युनिकेशन, और बाकी रिसोर्सेज के लिए भी ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड टू लीड, डायरेक्ट एंड मोटिवेट वेरियस पर्सनल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि लीडरशिप के लिए, डायरेक्शन के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है परफॉर्मेंस को बच्चों की भी और एम्प्लॉयज़ की भी। कम्युनिकेशन जो है वो पेरेंट्स और कम्युनिटी के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमें पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी जोड़ के आगे बच्चों को पढ़ाना होता है। कम्युनिकेशन इफेक्ट बहुत एसेंशियल है, क्यों, क्योंकि इससे इफेक्टिव ट्रांजेक्शन होगी, मतलब हम अच्छे से टीचिंग लर्निंग करवा पाएंगे क्लासरूम में कम्युनिकेशन की ही हेल्प से। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिंक बिठाता है, यानी बच्चों को हम आसपास की चीज़ों से और क्लासरूम के इन्वायरमेंट को कैसे जोड़ेंगे उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए स्कूल के अकॉर्डिंग उसलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। देखिए अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली 5 स्टेप्स आते हैं, इसको हम समझेंगे नीचे एक टेबल से। नीचे एक फ्लो चार्ट दे रखा है, देखिए सबसे पहला है सेंडर, ठीक है, सेंडर इन मैंने दे रखा है, ये होता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सेंडर जो बोलने वाला है वो ही कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन शुरू ही सेंडर से होती है, और वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं और थॉट है, वो उन फैक्ट्स हैं, मतलब वो बेसिकली सामने वाले को बताता है, रिसीवर को, ठीक है। तो जो भी उसका मैसेज है वो उसको बताएगा। देखिए सबसे पहले तो सेंडर के मन में थॉट आएगा, उस थॉट की हमें, सपोज़ टीचर्स को एक चैप्टर पढ़ाना है बच्चों को प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले तो सोचेंगे कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, फिर वो एनकोड करेंगी माइंड में कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। फिर वो बोलेंगी, मतलब चैनल मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो किस तरीके से बताना चाहती हैं, वो बोल के बताना चाहती हैं, वो कुछ दिखा के बताना चाहती हैं, मतलब कंप्यूटर्स का यूज़ करके दिखाना चाहती हैं, फेस टू फेस इंट्रैक्शन करना चाहती हैं, वो उन पर डिपेंड करता है, तो चैनल में ये आएगा। फिर होता है रिसेप्शन, बच्चे ने सुना जो बोला है उसको, फिर बच्चों ने डिकोड करा, तोड़ा पार्ट्स में, फिर अगर उन्हें समझ आया तो वो समझेंगे, नहीं आया तो वो गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, बच्चे ने जितना भी समझा वो टीचर को फीडबैक देंगे कि आया समझ नहीं आया, कभी कभी बच्चे झूठ भी बोल देते हैं कि समझ आया, तो लेकिन फीडबैक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन की, 4 टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सबसे पहला है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो फॉर्मल तरीके से, यानी एकदम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, सामने वाला कैसा है, डेकोरम को फॉलो करते हुए, उस तरीके से जब हम करते हैं तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे हम टीचर्स और प्रिंसिपल से करते हैं। और इनफॉर्मल कैसा होता है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स इनसे करते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल होता है बोल के, नॉन वर्बल होता है बिना बोले। वर्बल में क्या होता है, हम कुछ बोल के या लिख के हम कुछ बताते हैं, और नॉन वर्बल में क्या होता है, हम अपने फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले बच्चे को बताते हैं कि, या फिर सामने वाले पर्सन को हम समझाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व, अब देखिए कितने लोग इन्वॉल्व है, से कुछ होता है 1-to-1, यानी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एक सेंडर एक रिसीवर। फिर होता है एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, जैसे फैमिली मेम्बर्स। फिर होता है लार्ज कम्युनिकेशन, लार्ज कम्युनिकेशन में बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, जैसे टीचर बच्चों से कम्युनिकेट करती है, क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वो लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। फिर होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी जैसे एक, जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो पूरे इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। फिर होता है मास कम्युनिकेशन, जैसे मीडिया टीवी वगैरह में कुछ न्यूज़ चल रही है तो उससे हमें कुछ समझ आ रहा है, या वो लोग हम तक अपनी बात पहुँचाते हैं, वो होती है मास कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है।
ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो बच्चे हैं अगर उन्हें कोई कंप्लेंट है वो टीचर को पहुंचाएंगे, टीचर जो है वो प्रिंसिपल को पहुंचाएगी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो प्रिंसिपल है वो बोलेंगे टीचर्स को कि ये बात बच्चों को बतानी है, टीचर्स भी स्टूडेंट्स को बताएगी। क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, स्टूडेंट्स या प्रिंसिपल के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ये यही टेबल है नीचे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन के सिद्धांत हैं। तो इसमें हम टोटल 8 सिद्धांत देखेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, विल एंड मोटिवेशन। पहले बच्चा, मतलब बच्चा नहीं, सामने वाला और बोलने वाला भी दोनों रेडी रहे, उनमें मन हो सुनने का कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एंड इंटरेक्शन, यानी दोनों अपने आइडियाज़ को शेयर करें, कॉन्सेप्ट को शेयर करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए कि जो सुनने वाला है वो आराम से समझ पाए कि वो क्या बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ, जैसे अभी इसमें ही बता देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट में टीचर अगर एक टॉपिक एक्सप्लेन करे किसी भी वे से, कुछ दिखा के या फिर बोल के, तो वो प्रॉपरली करे ताकि बच्चे को समझ आए कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट एंड मल्टी चैनल्स, यानी कि कैसे भी हम कर सकते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं और नॉन वर्बली भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट फीडबैक, अगर टीचर ने सपोज एक टॉपिक बच्चों को समझा दिया और बच्चों ने झूठ में बोला कि समझ आ गया, फीडबैक उन्होंने सही नहीं दिया, तो वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्नर, यानी कि बोलने वाला तो बोल रहा है लेकिन बच्चे जो है वो रेडी ही नहीं है सुनने के लिए, एक्टिव है ही नहीं, तो वो भी गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन हो तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि सब लोग सुनने के लिए रेडी हो, नॉइस ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स ना हो। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, यानी जो वर्बल मैसेज है यानी बोल के, और नॉन वर्बल मैसेज है वो मिलने चाहिए। जैसे कि टीचर, बच्चे ने कोई टॉपिक सुना दिया, अब टीचर ने क्या करा, क्लैपिंग करी, पर उनका फेस एक्सप्रेशन वो मैच नहीं करा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि टीचर मुझसे खुश है या नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में। अब देखिए कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कतें आती हैं, अब वो दिक्कतें क्या है, देखो 4 तरीके की दिक्कत आती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, सिमेटिक एंड अदर्स। देखिए इंटरनल में क्या होता है, जैसे कि हमारी खुद की अंदर से जो प्रॉब्लम है, जैसे फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, नॉलेज हमें अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ हम लोगों की सही नहीं है, या फिर बच्चा जो है वो जल्दी बॉर्न हो गया था, कुछ बच्चे होते हैं 7th मंथ 8th मंथ में बॉर्न हो जाते हैं, अटेंशन पे नहीं करी, या फिर अच्छे से हमने अपनी बात को रखा नहीं है, सुनने वाले ने ढंग से सुना नहीं, कोऑपरेटिव नहीं करा बच्चों ने आपस में, टीचर्स की सुनी नहीं, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल होता है कि बाहर की वजह से, जैसे नॉइस आ रही है, पॉल्यूशन है और वो आराम से बैठ नहीं पा रहे, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ बच्चों को पार्क वगैरह के एक्सपोजर नहीं मिल रहे जो वो समझ पाएँ। सिमेटिक बैरियर्स होता है बोलने में, यानी कि अपने बात को बोलने का तरीका कैसा है, तो टीचर जब ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाए अपनी बात को, ठीक है। अब जैसे कि और क्या होगा, जैसे कुछ वर्ड्स के कई सारे मीनिंग होते हैं तो बच्चा उन्हें समझ ना पाए, इंटरप्रेट ना कर पाए, शायद बच्चों की लैंग्वेज में उस वर्ड का कोई और मतलब होता हो, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं सिमेंटिक्स यानी बोलने के फैक्टर्स, वो भी इफेक्ट करते हैं। और अदर्स में देखिए, अदर्स में क्या होता है, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी जितना बच्चा स्टोर नहीं कर पाया, सेकंड क्लास के बच्चे को 5th क्लास के बच्चे जितनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, ठीक है, सुन नहीं पाया बच्चा ढंग से, इतना ज़्यादा भीड़ थी क्लास में, तो कुछ भी हो सकता है अदर फैक्टर्स में। अब देखिए असेंशियल कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रिंसिपल, टीचर्स एंड प्यूपल्स, यानी कि क्या ज़रूरी स्किल्स हैं प्रिंसिपल के लिए, टीचर के लिए और प्यूपल्स के लिए। सबसे पहले टीचर प्रिंसिपल के लिए देखते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले उनको समझने की कोशिश करें इससे ज़्यादा कि वो मुझे समझे, मतलब टीचर्स की सुने, बच्चों की सुने, फिर अपने आइडियाज़ जो हैं वो कम्युनिकेशन से पहले ही बता दे कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। अब रिसीवर को देखिए कि जो सुनने वाला है उसका लेवल क्या है, उस हिसाब से बताएं। टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ अपना अपना नहीं बोलना, सामने वाले का भी सुनना है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल को ध्यान देना है जो सामने वाला अपनी, मतलब प्रिंसिपल को अपनी लैंग्वेज पे, टोन पे और वो क्या बोल रहा है उस पे ध्यान देना है। अपनी बात रखने से पहले किसी से कंसल्ट करना है कि वो सही भी है कि नहीं। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, मतलब कि हमें, हम कभी कभी ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो सामने वाले को कुछ और लगता है लेकिन हमारा मतलब कुछ और होता है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। परसेप्शन चेकिंग का ये मतलब होता है पहले उस वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स को चेक करना। सपोज़ हमने कोई एक सेंसिटिव इशू ले लिया
और सामने वाला हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो रिमूव एंड नेक्स्ट इज रिमूव बैरियर्स, यानी जो जो हमने पहले बैरियर्स पढ़े कि क्या क्या आ सकते हैं वो सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल फॉर टीचर, यानी एक्सेप्टिंग, यानी कि वो बाकी लोगों को एक्सेप्ट करें। इनिशिएटिंग एंड डायरेक्टिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को आगे बढ़ावा दें। रिपोर्ट विद द स्टूडेंट, टीचर का खौफ ना हो बच्चों के मन में और वो उन्हें अच्छे से समझे। कोऑर्डिनेट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने पहले बताया था, जो वो बोल रही है और जैसा वो हाथ से या किसी भी चीज़ से एक्सप्रेशन कर रही है वो मैच होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट बना के रखे, अच्छे से बात को, बच्चों की बात को सुने, उन्हें प्रॉपर फीडबैक दे, जितने भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करे। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का, हाथ का, सुनने का, टेस्ट का, टच का, ये सब यूज़ करें। पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करने और बच्चों के क्रिटिसिज्म को, जैसे बच्चा मना कर रहा है कि नहीं मैम समझ नहीं आया, तो उसे नेगेटिव वे में ना ले, अच्छे वे में ले, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर पीपल्स, यानी बच्चों के लिए क्या है, एक्टिव लिसनिंग, ढंग से उन्हें सुनना चाहिए, सही फीडबैक देना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट बना के अच्छा रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं करना चाहिए, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए खुद को भी, बाकी बच्चों को भी। फिजिकली वो ठीक बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि सो रहे हैं। जो कोई उन्हें सजेशन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, उसको वो एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये हमने स्किल्स पढ़ी। तो इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन का ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट करा है कि क्या होती है, क्या उसमें बैरियर्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन कैसे हो। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।